भारतीय किसान यूनियन शाखा पिंजौर के किसानों ने सड़क किनारे लगे भाजपा पार्टी के फाड़े फ्लैक्स पोस्टर, बड़ा हंगामा। पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया। भारतीय किसान यूनियन शाखा पिंजौर के कुछ किसान कृषि कानूनों के खिलाफ नारे लगाते हुए पिंजौर से रतपुर कॉलोनी, अब्दुल्लापुर कॉलोनी में सड़क के किनारों पर लगे हुए भाजपा पार्टी के पोस्टरों को फाड़ते हुए बिटना रोड पर भाजपा पार्टी के प्रशिक्षण शिविर की ओर जाते हुए पिंजौर पुलिस फोर्स ने उन्हें रोक लिया। जेपी गुरुकुल हाई स्कूल के समीप पिंजौर पुलिस फोर्स ने रस्सियां लगाकर रास्ते को रोक लिया था ताकि किसान भाजपा के प्रशिक्षण शिविर की ओर ना बढ़ सकें। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के पास एसीपी कालका मुकेश जाखड़, कालका पुलिस थाना प्रभारी दलीप सिंह, पिंजौर थाना प्रभारी रामपाल सहित अमरावती पुलिस चौकी इंचार्ज जिले सिंह सहित पुलिस फोर्स बसों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गई थी, लेकिन बीच रास्ते में किसानों की बहस भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता तरसेम गुप्ता के बेटे से हो गई थी। मामला था पोस्टर फाड़ने का, जिसमें उनके बेटे की मां की तस्वीर थी, जिस पर किसानों ने कहा था कि उनका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वह नहीं आए थे, बल्कि वह तो भाजपा पार्टी के पोस्टर फाड़ रहे थे। जिसके बाद भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता तरसेम गुप्ता के बेटे का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उनका कहना था कि भाजपा पार्टी के फ्लैक्स पोस्टर में उनकी मम्मी पापा की तस्वीरें थीं और वह पोस्टर फाड़ना गलत था। जिसके बाद कालका एसीपी मुकेश जाखड़ और एसएचओ कालका पिंजौर की मौजूदगी में पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लेते हुए उन्हें थाने में ले गई। जब इस बारे में एसीपी कालका मुकेश जाखड़ से इस संबंध में बात करनी चाही, वह कुछ नहीं बोले। शाम तक पुलिस के कब्जे में किसानों के बाद यहाँ पिंजौर ब्लॉक प्रधान करम सिंह करमू, अन्य किसान नेतागण पहुँचे, लेकिन पिंजौर पुलिस ने पिंजौर पुलिस स्टेशन का मेन दरवाज़ा ही अंदर से बंद कर दिया था। हालांकि यहां पर मीडिया कर्मी भी एकत्रित होने शुरू हो गए थे। जब मीडिया कर्मियों ने अंदर संदेश भिजवाया कि मीडिया पुलिस से बात करना चाहती है, तो अंदर से पुलिस कर्मी ने जवाब दिया कि वह अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं। जिसके बाद शाम ढलने के बाद मीडिया कर्मी वहाँ से निकल गए थे। पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस फोर्स और किसान एकत्रित थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। पिंजौर पुलिस स्टेशन पर पिंजौर कालका प्रॉपर्टी वेलफेयर एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक मान सिंह मान, प्रधान हर्ष कुमार चड्डा, गफूर मोहम्मद, एडवोकेट सुनील कुमार, अन्य लोग यहां एकत्रित थे। और मेरे मेरी प्रॉपर्टी के आगे भाई हमें तो यहाँ होटल लटका वाला होटल के बाहर सारे बाहर होटल के बाहर है। होटल वाली जगह तो अपनी है। गलत देखो, ठीक है, तोड़ने की जरूरत क्या है किसान को? मेरे को एक बताओ, इतना बढ़िया पीसफुल मोर्चा चला रहा है आप लोगों को तोड़फोड़ की जरूरत क्या है? तोड़फोड़ के नाम बाहर की तो बात ही नहीं हुई। जितने भी यहाँ पर किसान भाई है ना, सारे अपने शहर के हैं ना, फिर हम भी आपके साथ, आप हमारे साथ नहीं। तो फिर आपने वो गलत किया। मैंने आपके लिए हमने सॉरी बोली, अपनी मम्मी डैडी के लिए गलती तो के लिए हम कोई सॉरी नहीं बोलेंगे। फिर आपके मम्मी डैडी ना कह रहा सॉरी मन रहे और दसो चलो ये बात क्यों हम। और आज का सर पोस्टर का क्या था? ये फाड़ने का पोस्टर तो वैसे कोई नहीं फाड़ा है। हाँ। रोस मार्च करते आए हैं, सड़क में रोस मार्च कर अगे जा रहे थे जिसे बीजेपी वाले का वो लगे वा था। अच्छा, तो पुलिस ने रोक लिया।